हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पावर प्रोजेक्ट से वाटर सेस वसूला जाएगा। वाटर सेस का क्या स्वरूप होगा, यानी कौन सा विभाग इसे वसूल करेगा, इस पर मंथन चल रहा है। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की सरकार के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। इसके लिए आयोग भी बनाए जाने हैं। उसका क्या काम होगा, उसमें कौन कौन से विभाग लगाए जाएंगे, इस पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश में पहली बार बिजली परियोजना पर वाटर सेस वसूला जा रहा है, जिसका टैरिफ भी तय हो गया है। इस टैरिफ के अनुसार पानी को कहां पर ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, उसे आधार बनाकर सरकार पैसा वसूल करेगी। 30 मीटर तक पानी उठाया गया तो 0.10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। 30 से 60 मीटर की ऊंचाई पर 0.25 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर तय की गई है। 60 से 90 मीटर तक 0.35 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर, तो वहीं पर 90 से ऊपर 0.50 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से सेस वसूला जाएगा। ये सरकार की आय का मुख्य जरिया बनेगा। बता दें कि जल शक्ति विभाग सचिव अमिताभ अवस्थी ने वाटर सेस का टैरिफ जारी किया है। इसमें ऊर्जा निदेशालय ने विभाग की मदद की है। ऊर्जा निदेशालय ने टैरिफ तय किया है। दोनों विभाग के अधिकारी इस संबंध में बैठक करके आगे की योजना पर काम कर रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट के सेस वसूलने के लिए उत्तराखंड के मॉडल को स्टडी किया गया। उत्तराखंड में भी वहां की सरकार ने वाटर सेस लगा रखा है, जिसमें सरकार आय जुटा रही है। हिमाचल के इस तरह का सेस पहली बार लगाया गया है। प्रदेश में अब तक 10,500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और लगभग इतने ही क्षमता के प्रोजेक्ट कंपनियों को दिए गए हैं, मगर ये प्रोजेक्ट बन नहीं पाए, जो अलग अलग औपचारिकों में फंसे हुए हैं। नई शर्तों को उन पर भी लागू किया जाएगा। मौजूदा समय में लगे प्रोजेक्ट पर शर्त लागू करना सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। कंपनियां इसका विरोध कर सकती हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर से इस पर सरकार ने चर्चा नहीं की। तो दूसरी तरफ पावर ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र सरकार के पास है, जिसमें सरकार करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय जुटा सकती है।